हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुचैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, आपके जो सीमेट का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उसके जो एडमिट कार्ड है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें एडुचैम्प लाइव क्लासेस आप तक पहुंचाता रहता है सारी अपडेट्स, तो एडुचैम्प लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। उसके अलावा जो है अपन इसमें बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, कितने पेपर मतलब मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं अपन। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो, उसका एडमिट कार्ड आज जारी हो गया है, वो NTA CMAT NIC.in पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है 28 जनवरी का है। 28 जनवरी को आपका जो NTA है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपका एग्ज़ाम करवाने जा रही है। हमेशा से पहले ये जो एग्ज़ाम है CBSE बोर्ड करवाता था, अब जो है NTA के अंडर में आ गया है, तो NTA इसका एग्ज़ाम करवाता है। तो इसके जो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम है और 3 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 9:30 to 12:30 है, और टाइप जो आपके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और स्कोरिंग पैटर्न 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स आपको ईच करेक्ट आंसर, मतलब कि 400 मार्क्स का ये पेपर होगा। -1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक गलत आपका क्वेश्चन हो जाता है तो आपके 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ मतलब कि कितने सेक्शन होने वाला है, इसमें 4 सेक्शन होने वाले हैं। इसमें से आपके 400 मार्क्स का पेपर होगा और 100 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें फर्स्ट सेक्शन है आपका लैंग्वेज कंप्रेंशन का, उसका है 25 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 25 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। लॉजिकल रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पुट अप होंगे और 100 मार्क्स का होगा। चारों सेक्शन 100 सेक्शन मतलब मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस का भी आपका 25 क्वेश्चन है। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। आप देख रहे होंगे 4 सेक्शन हैं, कौन कौन से, आपने अच्छे से तैयारी की होगी ऑलरेडी, और अभी ये आपके पास 20 दिन और हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो जो भी आपके क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैंने एक एक डाला है, मतलब कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने एक लास्ट मिनट जो टिप्स डाले हैं उनको जरूर फॉलो करिएगा आप। मैंने आज ही वीडियो डाला है उसका एडुचैम्प लाइव क्लासेस पे, तो वो जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तो अब इसका एडमिट कार्ड जो, इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। 7 जनवरी को आपका कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी CMAT का एग्जाम का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है NTA CMAT NIC.in पे, और वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एक तो 9:30 से 12:30, एक है 2:30 बजे से 5:30। 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, और इसका रिजल्ट भी आपका जो है 8 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। अगर आप 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आपका 1 घंटे पहले ही आपकी जो एग्ज़ाम की वो है एंट्रेंस वहाँ बंद हो जाएगी, और रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 घंटे पहले है, मतलब कि आपका 9:30 बजे से पेपर है, तो 8:30 बजे आपको एंटर कर लेना है लास्ट आपका जो है। तो आपको 2 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है दोस्तों। वो सारे जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए एडमिट कार्ड पे वो जरूर फॉलो करें। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए NTA CMAT NIC.in से, ठीक है। आपके जो लॉगिन डिटेल है वो देख के, मतलब लॉगिन करके आप, जैसे कि आपके जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है वहाँ एंटर करके, या पासवर्ड जो भी है एंटर करके, आपका एडमिट कार्ड जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके इंस्ट्रक्शन आप जरूर से जरूर फॉलो कर लें, और एक बार इंस्ट्रक्शन जो एडमिट कार्ड पे अवेलेबल है वो भी आप जरूर देख लें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एडुचैम्प लाइव क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एडुचैम्प लाइव क्लास को आप टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।